शासन करना। बच्चे को भी कोई पे कह रहा है, देखो आप हमारी ताकत।
बहुत सारी बातें करनी है। मैं अभी अभी दूसरे देश में होकर आया। मैं जब दूसरे देश में गया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना प्यार और सम्मान मिलेगा। आप ये देखो, मैं ऑस्ट्रिया गया तो लगभग 10 देश के लोग आए मिलने के लिए। जब मैं इटली गया तो कम से कम 40 देशों के लोग मिलने के लिए आए। हर आदमी ये कहता था कि भैया मैं अपने राष्ट्र की तरफ से, अपने देश की तरफ से, वहां रहने वाले बहुजन समाज के लोगों की तरफ से पैगाम लेके आया हूं कि भाई चंद्रशेखर आजाद हमारे स्टेट में भी आए, हमारी कंट्री में भी पहुंचे और आगे अपनी बात को रखे। मैंने उनको कहा कि मैं आपके बीच भविष्य में आऊंगा, लेकिन अभी 11 तारीख को हमारी रैली है। लाखों लाखों की संख्या में हमारे लोग वहां पहुंचेंगे, तो मुझे पहले उनके बीच पहुंचना है, उसके बाद मैं समय निकाल के आऊंगा। उन्होंने मेरी बात को माना और 3 दिन का कार्यक्रम करके मैं फिर आपके बीच आ गया। जब यहां पहुंचा तो पता लगा परमिशन और इस तरह की व्यवस्थाएं खराब हो रही है। फिर मैं धन्यवाद दूंगा हमारी दिल्ली की टीम का, भाई हिमांशु जी का, भाई महेश जी का, उनके सभी साथियों का, जैन साहब का, कसाना जी का, जिन्होंने, समीर भाई का, जिन्होंने दिन रात एक कर दिया और इस परमिशन को करा के सीपीसी जी का कितना बढ़िया प्रोग्राम आप सब लोगों के लिए आयोजित किया। एक बार दोनों हाथ से ताले बजा के दिल्ली की टीम का स्वागत करें।
रोशनी होनी चाहिए, इस बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है। इस देश में वो लोग भी शासन सत्ता में हैं जिनकी आबादी लोकतंत्र में मुट्ठी भर है, जिनकी आबादी 85% है, वो इसी साजिशों के कारण है, कितना आबादी के धोखाने के कारण इस देश में गुलामों जैसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। मैं बात कर रहा हूँ शेड्यूल कास्ट के लोगों की, मैं बात कर रहा हूँ शेड्यूल ट्राइब के लोगों की, मैं बात कर रहा हूँ अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों की, मैं बात कर रहा हूँ मुस्लिम की, जैन की, सिख की, ईसाई की, बौद्ध की, तमाम लोगों की जिनको आज भारत में सम्मान की जिंदगी नहीं मिल पाई। मैं बात कर रहा साथियों, जैसा कि आपको पता है वी मिशन टीवी हमेशा ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपके बीच रखता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो वी मिशन टीवी को आर्थिक मदद करें, जिससे कि हम यूं ही निरंतर ग्राउंड लेवल पर काम करते रहें। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और अपने दान की राशि वी मिशन टीवी के खाते में भेजें। QR कोड के अलावा आप हमारी UPI ID beamissiontv@YBL पर भी मदद भेज सकते हैं। जय भीम।